अब चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। मामला बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही ज्वलंतशील है। सिमडेगा से है, मॉब लिंचिंग मामला है ये। एक और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 9 नामजद की तलाश फिलहाल जारी है। तो ये बड़ी खबर है। बेसरा जोर गांव में ये घटना घटी थी, जिसमें एक शख्स को जिंदा जला दिया गया था और ग्रामीणों ने उस वक्त पुलिस को भी रोका था। हालांकि इस मामले को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है इसमें, लेकिन इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है और एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 9 जो नामजद हैं। और आशीष, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े आशीष, जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी जो हुई है चौथे आरोपी की, कौन है वो और कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई? आवाज पहुंच रही है आशीष? कितना बज रहा है? 12 सर। तो फिलहाल गिरफ्तारी भी हो गई है, यानी पुलिस से बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई करती जा रही है। बाकी जो 9 लोग हैं वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और उसके बाद वो समाज की मुख्यधारा में जुड़कर अब लकड़ी बेचने का काम करता था। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध तरीके से लकड़ी की कटाई करता था और किसी से डरता भी नहीं था। लगातार वो वन में जो पेड़ है उनकी कटाई करता था और इसीलिए कई बार समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो लोगों को गुस्सा और उसके बाद यह घटना घट गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।